करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 4th of April 2024 थर्सडे एंड आई एम योर होस्ट आशीष बरुआ। डॉलर इंडेक्स अभी है 104.21। 2nd अप्रैल का जो हमारा प्री मार्केट एनालिसिस था उस समय डॉलर इंडेक्स एट 105.00 के आसपास था। उस समय ये रेजिस्टेंस लेवल था, हमारा यही था कि ये रेजिस्टेंस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा या नीचे की तरफ रिट्रेस करेगा। 2 दिन के बाद हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके रिट्रेस कर रहे हैं, मंगलवार को एंड वेडनेसडे को रिट्रेस किया, अच्छा खासा नेगेटिव पावर के साथ नीचे क्लोज डाउन किया। सो अभी क्या है, ये डॉलर इंडेक्स इज एक्सपेक्टेड टू बी विद इन द रेंज ऑफ 102.7080 on the lower side and 105.1020 on the higher side. इस बीच में थोड़ा टाइम पास करना चाहिए। GBP डॉलर सपोर्ट लेवल्स में कंसोलिडेट करके बाउंस बैक कर रहे हैं ऊपर की तरफ। मंगलवार के यस 2nd of April को जो हम एनालिसिस कर रहे थे उस टाइम पे ये इस लेवल पे था 1.2550 के आसपास। हमें ये देखना था कि ये जो सपोर्ट जोन है क्या यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, क्या यहाँ पे कंसोलिडेट करता है या ब्रेकडाउन करता है। दीज आर द 3 सिनेरियोस। अभी हम 2 दिन के बाद क्या देख रहे हैं, 2 दिन के बाद हमने देखा कि ये सपोर्ट जोन पे सपोर्ट लेके ये वापस ऊपर की तरफ बाउंस बैक किया। अभी यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस है 1.2650 से 1.2680। क्या इस रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करता है, जाते हैं, पहला बात है ऊपर की तरफ जाते हैं या नहीं, देन देयर आफ्टर इज इट सस्टेनिंग अबव दिस लेवल। इन सच ए केस जीबीपी डॉलर इज गोइंग टू मिसटेस्ट द अपर एंड, इन दिस केस इट इज योर 1.2800। जीबीपी आईएनआर सिमिलरली ये सपोर्ट जोन तक आया नहीं है, उसके नजदीक से बाउंस बैक किया एंड अभी there are higher possibilities कि ये आपका higher end that is 106.50 के तरफ जा रहा है। Next is euro dollar analysis is going to be similar because just a copy paste हो रहा है, especially all these instruments, dollar index, GBP dollar, GBP INR, euro dollar and euro INR. अभी euro dollar पे क्या हुआ, वही support zone पे सपोर्ट लेके ये बाउंस बैक किया। फॉर दैट पर्पस आप 2nd अप्रैल का प्री मार्केट एनालिसिस आप देख सकते हो। सो यहाँ पे सपोर्ट लिया एंड बाउंस बैक किया। अभी देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज यूरो डॉलर इज हेडिंग टुवर्ड्स 1.09 से 1.0950 के तरफ। अभी यूरो आईएनआर सेम एनालिसिस, ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा वो है आपका 90.8090। उसके बाद इस रेजिस्टेंस इस लेवल पे आने के बाद हमें देखना होगा, इस लेवल पे आने के बाद हमें देखना होगा, क्या देखना होगा, क्या इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ने के बाद ऊपर की तरफ जाते हैं या नहीं। सो इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल इज going to be your 90.80 से 91.00 का। Now the crucial factor is dollar yen. Dollar yen में क्या हो रहा है, that is 152. ये crucial resistance zone है, 32 years का resistance zone है। Basically BOJ इस level पे yen को further depreciate करने नहीं देते हैं। That being the case, यहाँ पे एक sharp reversal आना चाहिए था, आया नहीं है। रहता यहाँ पे 12-13 दिन इस resistance zone के सामने नजदीक में रहे, consolidate कर रहे। It's a high alert. ये high alert, अगर इसको नीचे आना होता तो sharp resistance के साथ आ जाते, जैसे यहाँ पे किया। मीन्स रेजिस्टेंस अगर होगा उस जोन पे ज्यादा टाइम सस्टेन नहीं करते हैं, इमीडिएटली नीचे की तरफ आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो बंदा पिछले 11-12 दिन से
कंसोलिडेट कर रहे हैं, इट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न। ये कॉज ऑफ कंसर्न का मतलब क्या है, हमें ये देखना है द इंटेंशन ऑफ बीओजे, क्या बीओजे ईएन को बियॉन्ड 152 डेप्रिशिएट करने के लिए अलाउ करते हैं या नहीं। अगर अलाउ करते हैं तो आने वाले समय में मे बी 6 months डाउन द लाइन या लिटिल मोर डॉलर येन में हेड टूअर्ड्स 160, अभी 152 है, इट इज हेडिंग टूअर्ड्स 164। तो भाई देन थोड़ा सा बीओजे अपना पकड़ लूज कर एंड लेट अलाउ द करेंसी टू डेप्रिशिएट फर्दर बियॉन्ड 152। व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वी नीड टू वेट एंड वॉच। येन आईएनआर बीइंग द केस यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं, अगर डॉलर येन 152 के बियॉन्ड जाते हैं इन सच केस यूरो आईएनआर भी मे बी एक हेल्प नीचे की तरफ फर्दर ड्रॉप। क्या होगा, लेट्स सी। डॉलर कैंडी कंसोलिडेट कर रहे हैं 1.36 एंड 1.3350 के बीच में। ये कंसोलिडेशंस जब तक ब्रेकआउट नहीं करते तब तक हमें इसी रेंज के अंदर में इंतजार करना पड़ेगा। ऑसी डॉलर यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन है, इस जोन से बाहर निकल रहे हैं आइदर ऑन द लोअर साइड और ऑन द हायर साइड, क्या होते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। CNH करेंटली इट इज एट 7.2475, EBOC इज ट्राइंग टू पुल ऑफ द CNH डेप्रिसिएशंस, दैट बीइंग द केस नीचे की तरफ आते हैं टूअर्ड्स 7.20 एंड फर्दर बिलो। इन सच केस देयर विल बी लिटिल प्रेशर ऑन डॉलर रुपी। इसलिए हमें वन मोर क्रूशियल थिंग एज फार एज सीएनएच इज कंसर्न, ये रेजिस्टेंस कौन सा है 7.29, इट्स वेरी क्रूशियल। क्या पीबीओसी इससे पहले ही सीएनएच को इंटरवेन करके नीचे की तरफ सॉफ्ट करते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। अभी आते हैं हमारा ब्रांड क्रूड, ब्रांड क्रूड जो है वो है आपका 89.83, ये काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। क्या स्ट्रॉन्ग है, इसका पहला टारगेट हो सकता है ये आपका 93.50 से 94.00, देन सेकंड टारगेट 97.50, उसी की तरफ ये जा रहा है। यहाँ पे सेलिंग तभी हम देख सकते हैं जब इस टाइप का एक सपोर्ट ब्रेक करते हैं, एम पैटर्न बनाते हैं, अदरवाइज वी नीड टू लुक फॉर बाय डिप्स एटलीस्ट फॉर सम मोर ट्रेडिंग डेज। अभी यूएस 10-year ट्रेजरी, यूएस 10-year ट्रेजरी आपका क्रिटिकल रेजिस्टेंस लेवल पे टाइम पास कर रहे हैं 4.36, ये रेजिस्टेंस जोन है। अभी आज के दिन में अगर ये एक नेगेटिव कैंडल बनाते हैं, रेड कैंडल बनाते हैं, तो इट विल बी कंसीडर्ड एज ए मॉर्निंग इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार का मतलब नीचे की तरफ सॉफ्ट, मे बी टुवर्ड्स 4.18 आ सकते हैं कंडीशंस। आज के दिन ये रेड कैंडल के साथ क्लोजिंग दे दे। टू ईयर ट्रेजरी ये कंपैरेटिवली सॉफ्टर देन द 2-year टेन-year ट्रेजरी, तो क्योंकि 10-year ट्रेजरी में ये रेजिस्टेंस को चैलेंज कर रहे हैं, बट 2-year ट्रेजरी में स्लाइटली बिलो द रेजिस्टेंस zone. So that being the case, ये थोड़ा सा softer है in comparison to 10-year. अभी हमें देखना ये trend line support है. जब तक इस trend line support के नीचे moves नहीं देते and follow through नहीं करते हैं, तब तक ये softness के लिए हमें इंतजार नहीं करना है. तब तक हमें price actions को नजर करना है. एक बार अगर इसके नीचे close देते हैं and follow through करते हैं, in such a case, US 2-year treasury फर्दर नीचे की तरफ सॉफ्ट होने के लिए तैयार हो रहा है। अभी आते हैं डॉलर रुपी। डॉलर रुपी अगर हम देखेंगे ऊपर की तरफ 83.50 से 83.70 इज द न्यू क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन एंड सपोर्ट के लिए हम थोड़ा सा मीन्स ज्यादा वाला सपोर्ट मीन्स बड़ा वाला सपोर्ट जो है 82.80 से 83.00, क्योंकि हवा घूमने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता। अभी हम बोलेंगे कि ये इसी लेवल से 83.28 से 83.35 का एक ही दिन में हवा घूम सकता है। हवा घूमने का मतलब ये जो ऊपर की तरफ प्रेशर दे रहा है, ये नीचे की तरफ प्रेशर देना चालू करेगा। दिस इज द रीजन आई एम नॉट कंसीडरिंग 83.28 से 83.35 का ये वाला जोन एज ए सपोर्ट जोन। हाँ, हल्का फुल्का आप कर सकते हो इंट्राडे पर्पस के लिए, आप देख सकते हो दिस इज द सपोर्ट, लेकिन
अगर 2-5 दिन या ब्रॉडर टाइम फ्रेम के लिए आप देखोगे तो किसी भी समय ये ब्रेक डाउन कर सकते हैं. ओनली थिंग इज दैट ये स्पेशली फ्राइडे ऑनवर्ड्स. रीजन क्या है, कल से फ्यूचर में रिटेल ट्रेडर्स को एंड हु आर नॉट ऑथोराइज्ड डीलर्स दे आर नॉट सपोज टू मीन्स ट्रेड स्पेकुलेट एंड डू आर्बिट्रेज डील्स. ओनली दोज हु आर हैविंग द एक्सपोजर्स कैन हेज. सो दैट बीइंग द केस, अभी पोजिशन अनवाइंडिंग चल रहा है मार्केट में, मीन्स दोज हु आर नॉट एप्लीकेबल टू ट्रेड इन दिस प्लेटफॉर्म in this instrument. So they are on unwinding their positions. Once unwinding is over, उसके बाद हमें कुछ मिल सकता है. क्या मिल सकता है? Maybe एक directions. वो directions किधर है? हमें integer करना पड़ेगा. As of now, 50-70 is the crucial resistance zone, considering invisible hands strong presence in this zone. And 80-80 से 83.00 as the support zone, considering the broader प्रोस्पेक्ट. एक माइनर इंट्राडे परपस में 83.28 से 83.35 का एक सपोर्ट बन सकता है. सो ये हो गया करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस. आशा करता हूं ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा. इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय.